भारतीय समाज पार्टी के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन मांग की गई है कि पिछड़ों व अन्य पिछड़ी जातियों को जो ओबीसी के अंतर्गत आती है उनको अलग से विशेष आरक्षण दिया जाए और सामाजिक न्याय समिति को शीघ्र लागू किया जाए। ज्ञापन देने वालों में मौजूद रहे जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह, जिला महासचिव डॉक्टर नरेश कुमार आदि मौजूद रहे। आज का आपका ज्ञापन जो है किसको है और क्या मांग है? आज का हमारा ज्ञापन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित है और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज पूरे प्रदेश में सभी जगह ज्ञापन जा रहा है। क्या मांगे रखी गई हैं ज्ञापन? मांग है आज मात्र एक छोटी मांग है और एक छोटी मांग है पिछड़े समाज को पिछड़े समाज के आरक्षण में वर्गीकरण की मुख्य मांग है। जबकि ये 2001 में जब माननीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी इस मांग को माना था और इस मांग को लागू कराने के लिए मुहिम चलाई थी, परंतु आज तक उस मांग को माना नहीं गया है और इस वर्तमान सरकार ने मनमानी ढंग से अपने ठंडे बस्ते में हमारी मांग डाल दी है ओबीसी को आरक्षण में वर्गीकरण के लिए। जी सुहेलदेव जी, हमेशा से ही बीजेपी में भी शामिल थे, अब तो चुनाव में क्या रहेगा गठबंधन? चुनाव 2017 में जब हमारे माननीय उम्मीदवार राजभर सुहेलदेव समाज पार्टी के बैनर के साथ इनके साथ संदेश कंधा मिलाकर बीजेपी से चुनाव लड़े थे, तब समझौते के तहत मुख्य रूप से यही मांग मानी गई थी कि भाई आप जो है हमारे ओबीसी समाज की जो मांगे हैं जो पिछली मंडल कमीशन और कार्यकर के द्वारा आयोग द्वारा जो है ये मांग पहले पूर्ण पारित की हुई है और लागू करेंगे। माननीय बीजेपी के जो बड़े लीडर थे हमारे माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो आ जाए तो इन्होंने इस बात को कहा था कि हम सरकार जैसी बनेगी हम हमारी मांग मानेंगे, जब मांग नहीं मानी तो हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने मंत्रालय को ठोकर मार दी। जी सुहेलदेव जी, हमेशा बीजेपी में शामिल होने के बाद जो है योगी जी बीजेपी के खिलाफ बयान देते चले आ रहे हैं। बयान नहीं देते, जो जिन शब्दों पर वो शामिल हुए थे, जिन शब्दों पर सुहेलदेव ने बीजेपी को समर्थन दिया था। क्या शर्त थी सर? शर्त मुख्य रूप से ये सामाजिक रूप से जो हमारी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आई थी ओबीसी की, इसमें वर्गीकरण पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, इसमें जो है 27% को विभाजन कर और उसी का वर्गीकरण करना था और वही लागू करना था। लास्ट सवाल, आप किस पार्टी के साथ जाएंगे आप? ये तो साहब हमारा भागीदारी सब मोर्चा जो है वो तय करेगा कि कहाँ किसके साथ जाना है, इस मामले में हम आपको कुछ नहीं बता सकते।